वापस का कुछ नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, उन लड़की वालों को पैसों की जरूरत नहीं है। अगर वे कहते हैं 25 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए समाज देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो चारों मुजरिम समाज के हवाले कर दे। ये बताइए, मान लो अगर कल वो लड़के निर्दोष साबित होते हैं और उन्हें सजा हो जाती है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या जो जो लड़का पक्ष है वो कह रहा है नारकोटिक टेस्ट हो, वहीं जो दूसरा पक्ष है वो मना कर रहा है। आपका संगठन है क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेगा? हाथरस पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? कुछ हथियार लेके निकलना चाहिए। अगर सरकार कारण पूछे तो लड़कियों को कहना चाहिए कि लड़कियों की रक्षा करना सरकार के बस की बात नहीं रही, इसीलिए लड़कियां अपनी रक्षा खुद करेगी। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत। हरियाणा रिपब्लिक अभी सबने सभी दर्शकों के साथ एक बहुत बड़ी खबर के साथ लाइव हुआ है। अभी हम ही मौजूद हैं पानीपत के रेड लाइट पर और आप देख सकते हैं कि बहन मनीषा के कातिलों को फांसी दो की मांग लगातार, जो पानीपत के जितने भी संगठन हैं उनकी यही मांग है कि जो मनीषा वाल्मीकि के कातिल हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सके वो सरकार निकम्मी है। देखिए यहाँ पर जो लोगों के हाथों में पोस्टर लगे हुए। हाँ जी सर, क्या मांगे आपकी? सर, मनीषा के जितने भी दो भी चार हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। और हमारे जितने भी बहुजन, हमारे जितने भी SC ST के केस चले हुए हैं दोस्तों, जो मोदी और योगी सरकार है वो इन सभी केसों को बैकफुट में डाल दिया है। हमारी आज अम्बेडकरवादी संगठन जितने भी है, तो हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारे साथ जो भी दलित समाज जो पहले से ही दबा हुआ था उसको इस सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक महिला भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, आप खुद एक महिला हैं, आप क्या मांग करती हैं? जो महिलाओं के साथ ये शोषण होता है, दुष्कर्म होता है, तो उन्हें कैसी सजा दी जानी चाहिए? हाँ, जो जैसे मोदी सरकार ने पहले नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज वो नारे को मोदी सरकार भूल चुकी है। आज जो बेटी के साथ अन्याय हो रहा है उसको जो है मोदी सरकार और योगी सरकार उसके ऊपर कुछ भी कदम नहीं उठा रही। तो मेरी लड़कियों से यही सलाह है कि लड़की जब भी अपने घर से बाहर जाए तो उसको साथ में चक्कू या कुछ हथियार लेके निकलना चाहिए। अगर सरकार कारण पूछे तो लड़कियों को कहना चाहिए कि लड़कियों की रक्षा करना सरकार के बस की बात नहीं रही, इसीलिए लड़कियां अपनी रक्षा खुद करेगी। तो मैं यही मांग करती हूँ सरकार से। देखिए यहाँ पर इस प्रदर्शन का नेतृत्व सतपाल जी कर रहे हैं, तो सतपाल जी जो ये भी दुष्कर्म करते हैं आगे जो भी करेंगे उनके लिए ऐसी कौन सी सजा बनानी जानी चाहिए आपकी तरफ से, आपकी क्या राय है? ऐसे दोषियों के साथ फांसी होनी चाहिए, ऐसे दोषियों को जैसे ऐसे संगीन जुर्म जो महिलाओं के साथ बेटियों के साथ ऐसा करते हैं उनके फांसी की सजा नियुक्त होनी चाहिए। और भी यहाँ पर लोग प्रदर्शन में है तो उनसे भी बात करेंगे कि जो भी आने वाले समय में अगर दुष्कर्म करता है उसे कैसी सजा दी जानी चाहिए आपकी तरफ से, आप क्या मांग करेंगे? फांसी की सजा होनी चाहिए, जितने चारों लोग हैं चारों लोगों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तीन लड़के थे वो उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी की ये एक मिली जुली भगताई चल रही है वहाँ पे, ठीक है। योगी एक इतना पाखंडी मानते हैं कि वो पाखंड कर रहा है बिल्कुल, और सभी को पता है कि एक वीडियो क्लिप है काफ़ी दिनों से जारी कर रखी है, उसमें सब कुछ दिखा रखा है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। ये एक मिली जुली सरकार चल रही है। ये बताइए कि जब सरकार ने कहा कि CBI जांच हो, जो लड़का पक्ष है वो कह रहा है नारकोटिक टेस्ट हो, वहीं जो दूसरा पक्ष है वो मना कर रहा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहीं ना कहीं उन पे दबाव इतना है और वे डरे हो रहे हैं, सहमे हुए हैं कि वे उनको UP सरकार पर, योगी पर और मोदी पर बिल्कुल विश्वास सा ही नहीं है, इसलिए बड़े सहमे से हुए पड़े हैं, इसलिए वे कहते हैं कि हमें किसी जांच की कोई तरफ नहीं। आपने अभी कुछ दिन पहले एक ऐलान किया था कि जैसे मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि 25 लाख रुपए जो पीड़ित परिवार है उनको दी जाएगी, लेकिन आपका बयान आया था कि मैं अगर वो चारों दोषियों को आपको सौंप देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए देंगे, इस पर क्या कुछ मामला था पूरा? बिल्कुल यही कहते हैं, अब दोबारा फिर कहना चाह रहा, उनके बस का कुछ नहीं है। ये एक दुर्घटना उन्होंने घटी है जो वहाँ पे लड़की के साथ जो दुर्घटना घटी है
और वे कहते हैं कि 25 लाख रुपए दे देंगे, कितनी शर्मनाक बात है ये। ठीक है, हम यही कहेंगे कि वो समाज अगर उनके पास का कुछ नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, उन लड़की वालों को पैसों की जरूरत नहीं है, वे न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, उनको पैसों का क्या करेंगे। अगर वे कहते हैं 25 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए समाज देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो चारों मुजरिम सरकार उनको समाज के हवाले कर दे। तो सर ये बताइए, मान लो अगर कल वो लड़के निर्दोष साबित होते हैं और उन्हें सजा हो जाती है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उनको अभी तुरंत ही फांसी हो जानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सारी जांचें हो जानी चाहिए, जिस टाइम वे निर्दोष साबित हो जाए, ठीक है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जितने भी कांड हो रहे हैं, बलात्कार कांड हो रहे हैं, हम तो ये कहें कि बलात्कारियों को ही फांसी हो जानी चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, चाहे सरकार कोई सी भी हो, कोई सी सरकार हो, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार में हो, जो भी बलात्कारी है उनको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर आपका कहना ये है, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर सरेआम लटका देना चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की को उन्होंने मारा है, उन्होंने लड़की को तो मारा है ना, तो फांसी की सजा तो नहीं होनी चाहिए ना? क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो मांग रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी सरकार पूरी उनकी जो जिन्होंने कांड किया है उनके साथ मिली है, उनके सहयोग कर रही है। जिस लड़की को वे लोग खाली उसकी माँ बाइक पे बिठा के ले गए, क्यों 50 रुपए क्या एम्बुलेंस नहीं थी, क्या कोई गाड़ी नहीं थी? लेकिन तरफ ये भी तो आरोप लग रहा है, जो लड़की पक्ष है वो लगातार जो नारकोटिक टेस्ट है उसे कराने से मना कर रहा है। वे शरीफ लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता इन चीजों का, लेकिन गरीब लोगों पर इतना दबाव डाला जा रहा है। आपने देखा होगा मीडिया में जो डीएम है वो उनको कैसे धमका रहा है, कैसे समझा रहा है उनको कि तुम ये पूरा केस खत्म कर दो। देख केस कैसे हो जाओ, जो डेथ हो गया, जिन्होंने डेथ करी है उनकी डेथ हुई है, इसके अंदर किसी की हुई है? तो अब जो आपका संगठन है, क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेगा? हाथरस पहुंचेंगे सब पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। जैसे ही वहाँ की इतना बुरा हाल वहाँ पे कर रखा है, कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता है तो वे रोक देते हैं, ठीक है। वो कुछ भी नहीं करने दे रहे किसी को भी, कि जांच भी होनी चाहिए, वे सच्चे हैं, जांच ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है एक के लड़के वालों ने ही मारा लड़की को, अगर वे लड़के वाले मारते लड़की को तो वे उसको पुलिस थाने में लेके क्यों जाते? सर ये बताइए, विभिन्न पानीपत का जो संगठन है लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आखिर कैंडल मार्च से परिणाम क्या निकलेगा? जो वारदात है वो तो जस का तस वैसे ही बना हुआ है। न्याय 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 मांगने का यही तरीका है कि रोड पे उतरे, प्रदर्शन करे, कैंडल मार्च ले, कैंडल मार्च निकाले। परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम ये तो गुंगी भरी सरकार है, इनकी ये चाहती है एक बड़ा आंदोलन भी होगा जब तक ये अपना इंसाफ नहीं होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा। सतपाल जी आप भी बताइए, आपकी तरफ से कई बार जो प्रदर्शन निकाला गया लेकिन अब तक कोई ऐसा स्पष्ट परिणाम तो नहीं निकला है। ये परिणाम इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर एक ही जाति के लोग अधिकारी हैं और वो एक ही उनका बीजेपी का जो लक्ष्य है मनुस्मृति को उत्पन्न करना, वो इसलिए इसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 3 लड़के हैं 4 दोषियों में से 3 लड़कों को बेवजह फंसाया जा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये तो साफ नजर आ रहा है जो कि रात के 2:30 बजे जो संस्कार किया है वहाँ से सारा गुत्थी खुल रही है, वो क्यों मतलब वहाँ से वो उसको 2:30 बजे क्यों संस्कार किया? देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो लगातार मुर्दाबाद के नारे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी ये प्रतिक्रिया है कि उनको अभी तक बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है, जो पीड़ित परिवार है उसी को दोषी बनाया जाए, उसी से सवाल उठाए जा रहे हैं, कब तक चलेगा ये, कब तक ऐसा? बताइए उनको जल्दी से जल्दी फांसी दो। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो और भी दूसरे संगठन के लोग हैं, वो लगातार नारे लगा रहे हैं कि मनीषा के हत्यारे को फांसी दो। जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। जी आप बताइए, अभी जैसा है ये इतना बड़ा वारदात हो गया, आपकी तरफ से कई बार प्रदर्शन जो किया जा रहा है लेकिन प्रदर्शन का परिणाम तो कुछ निकल गया नहीं रहा है? निकलेगा क्यों नहीं? नहीं निकलेगा तो हम सभी सड़क के ऊपर होंगे, एक दिन इस सरकार को नीचा गिरा के छोड़ेंगे।
पीछे नहीं हटेंगे। भारत के न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? अभी तक कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारी विपक्ष में पक्ष में आया ही नहीं। हाँ जी सर, आप बताइए, अगर दोषी है तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष हो तब क्या होना चाहिए? देखिए, दोषी और निर्दोष का तो फैसला अदालत में होगा, लेकिन जो सरकार है, सरकार का रवैया आप देखिए किस तरीके से सबूत मिटाए जा गए हैं। रात को संस्कार किया गया, जब उस लड़की के साथ ये कांड हुआ तो उसका जो मेडिकल चेकअप है वो 11 दिन के बाद किया गया, जबकि आपको मैं बता दूं 72 घंटे के बाद जो रेप होता है उसके जो शुक्राणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रिपोर्ट नहीं आती। इसलिए ये सारा जो प्रोपेगंडा है वो मिलीभगत करके किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन और वहाँ का जो DM, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री सभी जो है ना दोषी इसमें लिप्त है। देखिए यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आप एक युवा हैं, तो सर आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? भाई भाई पूरे देश में आग लगाई थी, आज हम सर्व समाज के लोग इकट्ठा होके अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए हमारे जिला पानीपत के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जैसा कि सर्व समाज आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ युवा भाई भी जो प्रदर्शन में हैं, तो आप एक युवा हैं, आपकी क्या सोच है, जो दुष्कर्म करते हैं किस तरीके सजा होनी चाहिए उन्हें? मेरी सोच ये है भाई, योगी सरकार से एक निवेदन है, कृपया उनको फांसी दे, नहीं तो बीमार भी उनकी ईंट से ईंट बचा देगी। बीमार भी जिंदाबाद, 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 बीमार भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर जो भीम आर्मी के सदस्य है वो कह रहे हैं कि अगर मनीषा के जो कातिल हैं अब तक तो सबक नहीं हो पाया है कि जो चार लड़के हैं वो दोषी हैं या नहीं है, लेकिन इनके जो लोग हैं उनका कहना है अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष हो तो उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए। आइए एक बार फिर से हम बात करेंगे, फांसी दो, फांसी दो। एक बार फिर से मैं बात करूंगा जो यहाँ के संगठन है। देखिए यहाँ पर मनीषा के हत्यारों को फांसी दो की जो लगातार ये नारा लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लगातार जो नारा लगाया जा रहा है कि मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, आपको यही जो वाणी है सुनने को मिल रही होगी। और एक बार फिर मैं जुड़ूंगा जो संगठन के सदस्य हैं उनसे और जानूंगा कि जैसा आपको पता है कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा रोष है, जो बहन मनीषा के साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ उसके खिलाफ, अब कोई परिणाम तो निकल के आ नहीं रहा है कि उन्हें सजा हो ना हो, देश में हलचल मचा हुआ है। आप क्या संदेश देंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? देखिए पूरे देश में ही चल रहा है रोष प्रदर्शन, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसका परिणाम नहीं आता। लेकिन एक जो तप्ता है वो उनके साथ खड़ा है कि वो निर्दोष है, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए वो सरकार के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सरकार ना गिरे, वो सरकार के ही लोग हैं। और एक वीडियो वायरल काफी दिनों से हो ही रही है, जो लड़का वो दीपक शर्मा है, वो कहीं भी प्रदर्शन होता है वो पहुंच जाता है भेष बदल करके, ठीक है, वही वो साइन डाल रहे हैं, आम आदमी पार्टियों पे उन्होंने साइन डाली, वही दंगे भड़का रहा। कुछ लोग अपना राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए राजनीति के लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन समाज के साथ ये दुर्घटना घटी है, समाज के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। सर आपका जो संगठन है वो क्या सोचता है, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सरेआम जो फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन जो तीन लड़के हैं आरोप है कि वो तीनों समय थे ही नहीं? देखिए जो लड़के एक है या तीन है या चार है, जो मनीषा ने बयान दे रखे उसके आधार पर और उसकी जो फैमिली है, उसका जो भाई है, उसकी जो माता है, उनके आधार पर, उनके बयानों के ऊपर जितने भी लोग हैं उसके इसके बीच में है, वो सबको ही फांसी हो जानी चाहिए। एक बार मैं फिर से, जो आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हथियारों को सौंप दो तो मैं 1 करोड़ दूंगा, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए बार बार यही तो मतलब आपको न्याय पर भरोसा नहीं है, भारत की जो न्यायपालिका है
न्याय पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर न्याय पे भरोसा होता तो इस तरह सड़कों पे उतरने का क्या मतलब था पब्लिक का? अगर आपको चारों को सौंप दिया जाए तब आप क्या करेंगे? चारों लड़कों को आपको सौंप दिया जाए तो क्या करेंगे? समाज को सौंप दे, अगर सरकार नहीं कर सकती कुछ तो समाज की लड़की मरी है, ये देश की लड़की मरी है, हवाले करते उनको। आप क्या करेंगे उनके साथ? क्या करना चाहिए? भी सड़क में फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बलात्कार करते हैं लड़कियों का, उनको तो फांसी दे देनी चाहिए ना। देखिए यहाँ पर जो सर, आपका नाम? गोविंदा लाहौट वाल्मीकि युवा संगठन पानीपत। देखिए गोविंदा जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बयान एक बार फिर से वही रहा कि चारों दोषियों को हमें सौंप दो, हम अपने आप जो न्याय है उसे ले लेंगे। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत, और वीडियो को मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख पाए और खबर सबके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बने रहे हरियाणा रिपब्लिक के साथ।